के डॉक्टरों की टीम ने भी नंद कुमार सिंह चौहान के स्वास्थ्य का परीक्षण किया था। नंदू भैया के नाम से मशहूर चौहान, नंद कुमार सिंह चौहान 16वीं लोकसभा के सदस्य रहे हैं और मध्य प्रदेश के खंडवा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वो भोपाल के 74 बंगला स्थित बंगले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पड़ोसी भी हैं। पिछले कुछ दिनों से सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के लिए मंदिरों में उनके करीबी और समर्थक महामृत्युंजय का पाठ भी करा रहे थे। गौरतलब है कि जब चौहान की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई और उनकी हालत बिगड़ने लगी, तभी से मंदिरों में उनके लिए पूजा पाठ का दौर शुरू हो गया और इसी कड़ी में बुरहानपुर जिले के बोहरा के महादेव संगमेश्वर मंदिर में भी उनकी तबीयत में सुधार हो इसके लिए पूजा पाठ किया गया। स्थिति उनकी लगातार बिगड़ती रही और आज नंदू भैया हम सबको छोड़कर चले गए। राजेश निम्बोलकर हमारे साथ जुड़े हुए। राजेश, आप बता रहे थे कि किस तरह का व्यक्तित्व था नंद कुमार सिंह चौहान का। जी बिल्कुल, उनका एक जो व्यक्तित्व है उसे शब्दों में बयां करना भी काफी मुश्किल होगा, क्योंकि जिस प्रकार हमने उन्हें देखा है पिछले 15 सालों से, मैं उन्हें लगातार देख रहा हूँ, क्षेत्र की जनता से उनका मिलना और एक छोटे से छोटे कार्य को लेकर यदि कोई भी उनके पास जाता था तो वो बहुत ही आत्मीयता से उस व्यक्ति से मिलते थे, उनके कार्य को समझते थे और उनके कार्य को करते थे। यही कारण था कि भाजपा ही नहीं अन्य दल के लोग भी उनका सम्मान करते थे और उन्होंने कभी भी यहाँ पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यहाँ पर राजनीति की है और क्षेत्र के विकास को लेकर उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये भाजपा से है या कांग्रेस से या किसी अन्य दल से है। उन्होंने बाकायदा सिर्फ और सिर्फ विकास को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र का विकास किया। यही कारण है कि नंद कुमार सिंह चौहान, नंदू भैया, यहाँ के जनप्रिय और लोकप्रिय नेता रहे। लगातार 6 बार वो यहाँ से लोकसभा सीट से विजय उन्होंने प्राप्त की, साथ ही वो उन्होंने यहाँ से विधानसभा से भी 2 बार वो निर्वाचित हो चुके हैं। यही उनका जो व्यक्तित्व था काफी मिलनसार और काफी अच्छा व्यक्तित्व रहा। यही कारण है कि आज जो उनके न रहने की खबर जैसे ही क्षेत्र के लोगों को लगी है, जनता में शोक व्याप्त हो चुका है और ये कह लीजिए कि एक ऐसे व्यक्तित्व को इस क्षेत्र ने खोया है जिनकी पूर्ति करना और या उनके स्थान पर किसी और को देखना बिल्कुल नामुमकिन होगा। बिल्कुल, वाकई में आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से स्पोक पर्सन विकास बोंडिया जी जुड़ गए हैं। विकास जी, नहीं रहे नंदू भैया। जी, आपकी मार्फत ही मुझे ये सूचना भी मिल गई है। पिछले एक पखवाड़े से दिल्ली में स्वास्थ्य के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे, बीच में जो जानकारियां डॉक्टर्स के माध्यम से उनकी बेहतर भी हुआ कुछ स्वास्थ्य, लेकिन कोरोना बीमारी वही बोंडिया जी, इस कोरोना काल में न जाने कितने लोग छोड़कर चले गए हैं। ये जो खालीपन है, इस खालीपन को क्या लगता है कोई भर पाएगा? देखिए, नंदू भैया की वो मुस्कुराहट, वो नेतृत्व, वो सबको साथ लेके चलना, मतलब हर कार्यकर्ता सोचिए समझता था कि मैं इनकी उंगली पकड़ के कहीं भी कुछ भी काम के लिए निवेदन आग्रह कर सकता हूँ। ये स्वाभाविकता को भरना बड़ा मुश्किल है। निमाड़ के, पूरे मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ा आघात है। उनकी सहजता से हर कार्यकर्ता उनकी ओर बड़ी आसानी से अपने काम बातचीत के लिए मुड़ जाता था, बड़ा मुश्किल। बिल्कुल वाकई में, कैसे याद करेंगे आप, किन यादों के साथ नंदू भैया आपकी यादों में? मैं बताऊंगा, हर कार्यकर्ता के लिए बड़े सुलभ थे नंदू भैया। लगातार निमाड़ की जनता का दिल जीत के वो संसद में पहुंच रहे थे, सबकी सहायता के लिए हमेशा खड़े रहते थे और विशेष बात जो मैंने उनमें देखी कि एक व्यक्ति, एक सांसद, एक प्रदेश अध्यक्ष का हर कार्यकर्ता सोचे कि मैं इनसे ये बात आसानी से कह सकता हूँ, निसंकोच कह सकता हूँ, ये एक बहुत बड़ा उनका एक गुण था और वो
पार्टी या अन्य पब्लिक भाषणों में भी जो शेर व शायरी दो लाइनों के माध्यम से अपनी बात को रख देते थे वो बड़ा अनुपम रहा है। समझ सकते हैं कि इस दुख की घड़ी में शब्दों का भी अभाव हो जाता है, क्योंकि जब कोई संजो के न केवल पार्टी को, कार्यकर्ताओं को, सभी लोगों को रखता है, और उसका चले जाना कितना खालीपन छोड़ जाता है, इस बात को समझा जा सकता है। बूंदिया जी बहुत शुक्रिया, और राजेश हमारे साथ जुड़े हुए थे उनका भी बहुत शुक्रिया। अतुल शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं संवाददाता। अतुल, नहीं रहे नंदू भैया, उनके ट्वीट के साथ शुरुआत कर रही हूँ। 11 जनवरी को उन्होंने आखिरी ट्वीट किया था कि प्रिय साथियों, मैं अस्वस्थ महसूस कर रहा था, आज कोरोना की जांच कराने के बाद मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। विगत दिनों जो भी मेरे संपर्क में आए होंगे वो कृपया अपनी जांच अवश्य करा सकते हैं, अवश्य कराएं। ये आखिरी ट्वीट 11 जनवरी को नंदू भैया ने किया था। अतुल, बिल्कुल रश्मि, देखिए काफी अपूर्ण क्षति है बीजेपी के लिए भी और मध्य प्रदेश के लिए भी। हालांकि देखिए काफी कद्दावर नेता रहे हैं मध्य प्रदेश के और लंबे समय से बीजेपी से जुड़े भी हुए हैं। हालांकि विगत दिनों कोरोना के चपेट में आने के बाद लगातार उनकी हालत गंभीर भी लगातार हो रही थी, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट पर भी दी, जिसके बाद उनको दिल्ली में इलाज के लिए ले आया गया, जिसके बाद आज सुबह तड़के उनकी जो है काल के गाल में उनकी जो है मौत हो चुकी है। लेकिन जिस तरीके से एक लंबा इतिहास रहा है रश्मि मध्य प्रदेश के अंदर उनका, सियासत का और समाज से जुड़े लोगों का, हालांकि बीजेपी में जिस तरीके से हम देख रहे हैं एक शोक की लहर इस समय आ चुकी है, क्योंकि काफी कद्दावर नेता रहे हैं और ये कह सकते हैं कि संगठन के तौर पे काफी उनका जो निर्णय है काफी महत्वपूर्ण रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने मध्य प्रदेश की कमान संभाली भी है और उस दौरान मध्य प्रदेश के अंदर जो संवाददाता अतुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो प्रकाश डाल रहे थे नंद कुमार सिंह चौहान जी के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, कि किस तरह से नंद कुमार सिंह चौहान जी कोरोना पॉजिटिव होते हैं, उनकी स्थिति को अंजो ऑब्जर्वेशन में उनको ऑब्जर्व किया जाता है। अतुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अतुल बात पूरी कीजिए। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से बीजेपी नेताओं की लगातार जब हम देख रहे हैं ट्वीट आना भी शुरू हो चुके हैं, लगातार अपनी प्रतिक्रिया भी उन्होंने बीजेपी नेताओं ने देना शुरू कर दिए नंदू भैया की जाने की दुखद खबर जिसे ये। हालांकि देखिए आज जिस तरीके से काफी महत्वपूर्ण दिन था मध्यप्रदेश के लिए, आम बजट आना था, लेकिन उसके पहले जिस तरीके से ये एक दुख भरी खबर पूरे मध्यप्रदेश के लोगों के पास आई और खासतौर पर बीजेपी के नेताओं के पास आई, तो कहीं ना कहीं एक काफी दुख की इस समय स्थिति बनी हुई है। हम जगदीश देवड़ा जो वित्त मंत्री के घर के बाहर खड़े हुए हैं और अब से कुछ देर पूर्व उनको बजट सेशन के लिए निकलना है, लेकिन उसके पहले जब इनके पास जानकारी आती तो उन्होंने भी काफी दुख व्यक्त किया और चाणक्य कहा जाता है रहा है उनको राजनीतिक मध्यप्रदेश के अंदर। जब जब संगठन की तरफ से हमने देखा है उनकी राजनीति करने का तरीका भी कि जिस तरह के संगठन जब कभी कमजोर होने की स्थिति में जब जब आया है बीजेपी का, तो उन्होंने आगे बढ़ के संगठन को कसावट करने की भी जो है रणनीति बनाई। तमाम लोगों से, कार्यकर्ताओं से जब मिलते थे तो एक अलग ही उनका एक अपनापन रहता था, कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद जो है कार्यकर्ताओं से उनका जुड़ा रहता था और यही कला उनके लिए एक सशक्त नेतृत्व के लिए जो है जानी जाती थी, कि जब कार्यकर्ता किसी अपनी बात जब रखने के लिए पहुंचता था तो उनकी काफी धैर्य के साथ बात सुनी जाती थी, उसका निराकरण किया जाता था। तमाम जो सहयोग जो है कार्यकर्ताओं का तमाम हमने करते हुए देखा है। काफी दुख की घड़ी है इस समय बीजेपी परिवार के साथ मध्यप्रदेश के लिए भी, मध्यप्रदेश सांसद रहे हैं और तमाम उनकी जिस तरीके से कार्यशैली रही है रश्क सियासत की, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है आज बीजेपी के लिए दुख का दिन भी है और मध्यप्रदेश की जनता के लिए भी। बिल्कुल वाकई में, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जिस तरह से उनको चिरायू अस्पताल से एयरलिफ्ट करके दिल्ली एम्स में शिफ्ट किया गया था, एम्स में शिफ्ट करने से पहले, ठीक शिफ्ट करने से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उससे मिले थे। 90 जो रिपोर्ट सामने आई उसमें 90% तक उनके लंग्स इन्फेक्टेड थे, मतलब वायरस इतना ज्यादा हावी हो चुका था कि उनकी जो कंडीशन है वो क्रिटिकल होती चली गई, स्थिर होने में मतलब समय स्थिर ही नहीं हो पाई। डॉक्टर भी हैरान थे इस बात से।
देखिए बिल्कुल रश्मि, जब उनका चिरायू हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था तब से ही उनका जो स्थिति अस्थिर होते हुए दिखाई दे रही थी, और तमाम लंग्स को लेकर जिस तरीके से आपने भी बताया कि उनके जो इन्फेक्शन है वो लगातार बढ़ रहा था, जिसके बाद से उनको एयरलिफ्ट भी किया गया दिल्ली अस्पताल में, उनका इलाज लंबे समय से चल भी रहा था, तमाम डॉक्टर्स की कोशिश भी की गई, लेकिन कोविड का जिस तरीके से हमने देखा जो कोविड का प्रकोप है और कोरोना संक्रमण का जो अटैक है वो सीधे तौर पर लंग्स पे ही होता है रश्मि, और वही उनका डैमेज भी हुआ, और कोशिशों के बावजूद भी आज जब वो हमारे बीच में नहीं है, तमाम कोशिशें की गई है। राजधानी के अगर हम चिरायू हॉस्पिटल की बात करें तो डॉक्टर गोयंका की निगरानी में टीम बनाई हुई थी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तमाम जब उनका राजधानी भोपाल में जब उनका इलाज चल रहा था पूरी तरीके से निगरानी रखे हुए थे, और दिल्ली में भी जब उनको एयरलिफ्ट किया गया उसके बाद से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तमाम डॉक्टरों के संपर्क में रहे, जानकारी उनके स्वास्थ्य को लेकर जानकारी भी लेते रहे और तमाम निर्देश भी जारी किए, लेकिन ये कह सकते हैं कि एक मजबूत मध्यप्रदेश का जो नेता रहे हैं संगठित तौर पे हमने देखा है, लोगों से जुड़ के रहना, लोगों की बात सुनना, तमाम तरीके के लोगों के साथ कार्यकर्ताओं को सबसे महत्वपूर्ण जिस तरीके से हमने देखा रश्क की कार्यकर्ताओं से जब उनकी मिलने की जो शैली थी वो दूसरे नेताओं से उनको अलग करती थी, क्योंकि अपने पन से मिलना कार्यकर्ताओं से और सीधे तौर से संवाद करना और नाम से कार्यकर्ताओं को जानना ये उनकी शैली थी, और यही कार्यकर्ता उनकी तरफ आकर्षित होते थे जी। बिल्कुल, और ये जो कमी है शायद ही अब इसे कोई पूरा कर पाए। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, जुड़ने के लिए। तो नंदू भैया हमारे बीच नहीं रहे, राजनीतिक सफर की शुरुआत उन्होंने बुरहानपुर शाजापुर से नगर पालिका अध्यक्ष के तौर पर की थी। कैसे वो अपने एक शीर्ष पद पर पहुंचते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालते हैं, और उस दौरान किस तरह से प्रदेश में चुनाव होते हैं और प्रचंड बहुमत के बाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, उसमें बेहद महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे नंद कुमार सिंह चौहान की रहती है, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष थे और हर किसी के साथ उनका जो तालमेल था वो काबिले तारीफ था। स्वराज एक्सप्रेस परिवार भी उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।